ओम हस्तो प्रक्षालयं पुंडरे काक्षं पुनातु गंगा नारायण हरे अम्मा ओम सर्वदा प्रोलक्षणे संतो नमो नमः हरे अम्मा ओम चंद्रं भक्त्यं नित्यं पवित्रं पापनाशनं मा पदामर्ते नित्यं लक्ष्मे वसतु सर्वदा प्रोलक्षणे संतो नमो नमः ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरे काक्षाय मंगलाय तनो हरे हरे अम्मा ओम सर्वेभ्यो महाभारते प्रतिपदनामे रक्षय माचल आरोग्यं मे देहे तथा क्रोधरलाख्यो लक्ष्मे सन्दर्भो नमस्तेन बन्धो बले राजा दानविन्द्रो महाबलाते नत्ता प्रतिपदनामे रक्षे आरोग्यं मे देहे तथा क्रोधनिधान्यं संवत्सरं दीर्घमायुः भवः हरिः अम्मा ईश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च दिवा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा भादवे चरण कमलेभ्यो नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। धरती माता जी के पास में अक्षत पुष्प को चढ़ा के एक ही जगह में कोई चढ़ा दीजिए और प्रणाम कर लीजिए, दोनों लोग चढ़ा दीजिए। पुनः रात में अक्षत पुष्प लेके सर्वथा गौरी गणेश जी का पूजन करना है, वंदन करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है। सुखी आवसे संसार में, थोड़ा शांत रहिएगा, सुखी आवसे संसार में दुखिया रहे नको यह अभिलाषा हम सबकी, प्रभु जी पूरा न हो ऐसे मन में मनोकामना करते हुए सर्वप्रथम गणेश जी का हम लोग पूजन करते हैं। ओम गणानंद गणपति गं गवामहे प्रयाणांद प्रियपति गं गवामहे विधिनांद्वा निधिपति गं गवामहे वसो मम याहं जाने गर्भधमातुमिजाति गर्भधम अम्बेयं व्यगेयं बालकेन मानयति कश्चनां सुसद्रिकां सुभद्रिकां काम्बेलवासिनीं श्रीवर महागणाधिपतये नमो नमः। बीच यही स्वास्तिक के थाली में चढ़ा देना है। गणेश जी का ध्यान करते हुए संकल्प करना, इसमें कुछ एक पैसा रखना है हाथ में और संकल्प कर देना है। ओम विष्णु 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 अद्य ओम नमः, आप भी हाथ लगा लीजिए। ओम विष्णु 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 अद्य ओम नमः परमात्मने विष्णु राज्य वर्तमान स्वादुति प्राप्ते श्री श्वेतवारा कल्पे वैवा अश्वमे कलियुगे कल्पतम चरणे जम्बु देवे भोलोके भरतवर्षे भरतकंडे आर्यावर्तांगते बुद्धावतारे पुण्यक क्षेत्रे तारतमेतवे गौरी गणेश पूजन सत्यनारायण पूजन मंडप पूजन शिव संकल्प मस्तो हरे अम्मा। ओम दुग्धारिद्ध हरं सुखं करोतो ओम जग्जाग्रतो दोर्यमोदय तदेवं ततोत्तसे दोरगं ज्योतिरेकाम्मा तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु शुभं करोतो शुभं करोतो। वहीं पे बीच में खाली में चढ़ा देना है। पुनः हाथ में अच्छा कुछ एक पैसा रख के दोनों लोग प्रणाम करना है गणेश जी से कि हमारे इस संकल्पना अच्छा पुष्प द्रव्य वहीं पे चढ़ा दीजिए और ये चम्मच से तीन बार जल छोड़ना है एक दिन। ओम गंगा जय ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेय चेदात्पुरस्तथातवानिजे यज्ञोपवीतं बलवस्तु तेजा यज्ञोपवीताने समर्पयामहे। ओम सोमे लोकलज्जां वारणेमय पादतम तुभ्यं वाचचे प्रतिगृहतां वा वस्त्रं वस्त्रं समर्पयामहे। ओम सोमे रोगलज्जा निवारणे मयोत्पादतम तुभ्यं
वाचते ओं चंदनं दिव्यं गंधाचं सुमनोहरं विलेपनं सुरेष्टाय चंदनं प्रदेतां माभ्यां लगा के चढ़ा देना है। सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं कामदं च वचनोरं प्रतिकृतम्मा हरे अम्मा ओं देव्यो लक्ष्मी सन्तु नमः। ईश्वरः नैवेद्यं ते प्रसादयम्मा होम आन कान चापाने जनमान्तान कृतान च आहारं भक्षभोजनं च नैवेद्यं ते प्रसादयम्मा नीलादचूर्णतयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहीतां मा च मत्स्य आचमनि घुमा देना है। ॐ शुद्धोदकजले आचमनीयं जलं समर्पयामहे दक्षिणाहिरण्यकवस्तं हेमबीजं विभावसो अनन्तं पुनं फलं देवाय द्रव्य दक्षिणां समर्पयामहे। श्री गणेशं विकाभ्या नमो नमः। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेके गणेश जी को प्राप्त पुनः ध्यान कर लेना है, उनसे प्रार्थना करनी है। जो भी पूजा में फूल चूल में गलती वंदे सैले सोता सोतम गणपति सिद्ध प्रदम कामदम वंदे सैले सोता सोतम गणपति सिद्ध प्रदम कामदम अक्षत पुष्पाणम समर्पयामहे। ब्लोगयानन महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कलश आवाही देवी देवताभ्यो नमो नमः। उधर वाले साइड में कलश में अक्षत पुष्प को चढ़ा देना है दोनों लोग। पुनः हाथ में त्रिपुरांतिकारी भानो सते भौम सतो बुधचा गुरु चोक्रा शनि राहु के तवा सर्वे ग्रह सूर्याय नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमो नमः। थाली के नीचे नौ बिंदिया बनी है, यहाँ पे चढ़ाना है। नवग्रह का ध्यान करते हुए पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेके भोले बाबा को प्रणाम करना है। हरे हे अम्मा ओम वंदे देव्यो महापदं दुर्गम वंदे जगति कारणं वंदे पग्न विमोचनम। हरे हे अम्मा ओं सर्वदाक्षो दुर्गाभ्यां नमो नमः। कालिकाभ्यां नमो नमः। दीपक के पास में अक्षत पुष्प को चढ़ा के प्रणाम कर लीजिए। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेके लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम करना है। ओम शांताकारं मुदगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगमिरिगानगम्यं वंदे विष्णुभयहरणं सर्वलोकैकनाथं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चंद्रबलं तदेव विद्यावलं देवबलं तदेव लक्ष्मी पते ते गमये स्मरामि। देवी की दुद गोविंदाय वासुदेव जगत पते देह में तनयाम कृष्णा त्वामहं शरणं गतः त्वामहं शरणं गतः। भ्रो लक्ष्मी नारायण भगवान के जय। अच्छत पुष्पाणियम समर्पयामि। थोड़ा थोड़ा पुष्प यहाँ शालिग्राम जी के पास में और वहाँ पे ठाकुर जी के पास में दोनों जगह में चढ़ा देना यहीं से।
अक्षत पुष्प लेके आपने घर के आपने मंदिर के कुल देवी देवता को प्रणाम करना है। हरे अम्मा ओम भद्रम कर्णे भेषण राम देवा भद्रम पश्यंगो सदमिन्न शरदो यंत देवाय त्राण चक्राजर संतनो नाम्मा। हरे अम्मा ओम सर्वभ्यो कुल देवी देवताभ्यो नमो नमः पूजन प्रत्यग्रहताम्मा। अब इस वाले कलश में बीच में चढ़ा देना है। ये चावल आप लिफ्ट में रखिए और राइट से नमः बोलेंगे तो यही कलश में ही छोड़ना है। हरे अम्मा माता थोड़ा थोड़ा करके जब बोलेंगे ओम त्रिवर महागणाधिपतये नमो नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमो नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमो नमः। वाले हिरण्यराभ्याम नमो नमः। पशे पुरंदराभ्याम नमो नमः। पादपद्म चरण कमलेभ्यो नमो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमो नमः। कुल देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। अस्थान देवताभ्यो नमो नमः। वासुदेवताभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। ओम सिद्ध बुद्ध सहिताय श्री भगवानगणाधिपतये नमो नमः। चढ़ा देना है ये पुष्प से। अब पूरी जगह ऐसे हाथ लगा के स्नान करा दीजिए। ओम गंगा पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रथमश्यमग्रं यज्ञोपवीतं बलवस्तु तेज आत्मनिधारण करते हैं। पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रथमश्यमग्रं यज्ञोपवीतं बलवस्तु तेज आत्मनिधारण करते हैं। हरि ओम सर्वदात्रो लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमो नमः। हरि अम्मा ओम सिंदूरं सोहनं दत्तं सरति लक्ष दीजिए पूरे उसी को आप बोल रहे थे ना सिर। मैं सोचा वो काता जो छोटा सा उसको बोलते खलबत्ता जिसके ओखली वस्त्रम समर्पया में उधर साइड में बोलो खाली ले। हरे अम्मा ओम नमो लोकज्ञानवारे लोकपालं पुण्यं वाशे पुण्ये तात्मा वस्त्रं वस्त्रं जलज्ञाने लोकपालय नमो नमः सर्वदात्रो लक्ष्मी शन्तु नमो नमः। हरे अम्मा ओम मंगलं भगवान् लक्ष्मीनारायण ओम मंगलं भगवान् विष्णुमंगलं मंगलं मंगलं हरि हरे अम्मा ओम सर्वेभ्यो संजय नामनोत्पन्नं सापत्निकोऽहम् मंडप पूजन आचार ब्राह्मण द्वारा शिव संकल्पमस्तु वस्त्र शिव संकल्पमस्तु शुभम करोतु आरोग्यम मे देहे तथा करो। हरि अम्मा ओम देव ओम शांति अंदर शुभम शांति अंदर साइड में रख दीजिए। हरि अम्मा ओम खाने की पीते को करने की करते देखिए वो दीपक दीपक नंबर जलम समर्पयामि। अब दाल उसमें निकालना है और पीसना है। पूजन उसका हो चुका है। थोड़ा पीसना दादा।
विष्णुराज्ये वर्तमान स्वास्थ्य प्राप्ति श्री सेतुवाराकल्पे वैवाश्रमिकल्पे कल्पितं जडे जम्बुद्वीपे भूलोके वर्तमर्ते वर्तखण्डे आर्यावर्तांगतिर्गोधावतारे क्षेत्रे यभुकजमानस्य नामाहं संजय नामनो उत्पन्नोऽहं सापत्निकोऽहं मंडपे पूजन मढ़ाभ्यो लक्ष्मी संत नमो नमः आरोग्यम सुख संपदा मेधे धन धान्यम लक्ष्मी वसतु हरिः अम्मा वंदे शांति वंदेम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति मंडप में से खाना होता है लेकिन आप उधर साइड में रख दीजिए ना खाना नहीं नहीं क्योंकि झेल नहीं लगता ही खाना दीजिए बढ़िया देखिए खाना हरे अम्मा ओम सुधोदक जल आत्मयम जलम शमनतयामहे जलेशम हरे अम्मा ओम सतराक्षो नमो नमः हरे अम्मा जलेशुक्ताभ्यो नमो नमः हरिघटाभ्यो नमो नमः हरे अम्मा ओम विष्णु विष्णु ओम नमः परमात्मने विष्णु राज्य अम्मा स्वामी नारी देवी तुम्हारा कन्या नीला अष्टमी कन्या कन्या देवी देवी बोलो के रूप में समझते हैं आलिया बता करे वो धा बता रहे हैं जैसे थे यम देवार चिनावाल नमो वर्तमान चार जो कि पूजन वस्त्र शिव शंकर के सुबह करो तो शिव सामना से मार कर नीति दे जनों हमारी सुन रहे हैं जिस बात का कलश सजाए हुए हैं लक्ष्मी वसतु सर्वदा सुभद्रिकांशुभद्रिकांशुवासिनिम्मा ओं श्री वरमहागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः उमा महेश्वराभ्यां नमो नमः वालीरंगराभ्यां नमो नमः सचिवरंगराभ्यां नमो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः इष्टदेवताभ्यो नमो नमः कुलदेवताभ्यो नमो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमो नमः स्थानदेवताभ्यो नमो नमः मातृ
देवताभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः ओं सिद्ध बुद्धि सहिताय श्री वर्माग्राधिपतये नमो नमः फलादीनि च आदिभिः हरे अम्मा ओम दीन बंधो बली राजा महाबलाति भक्तां प्रति वदनामि चल माचल आरोग्यम तथा ओम ईश्वर नमो नम हरि ओम एन बंधो बले राजा नारायणी नमस्ते हरि उम्मा जलं समर्पयामि श्री गणेशंबिकाभ्यां नमो नमः इनको देखो हमारा फोन पे बता रहा है फोन में देखो सर हम जी बताएं सर तेई प्राप्धे श्री श्वेतवारा कल्पे यमुक नाम अनिल अपना नाम कश्यप लक्ष्मी लक्ष्मी गौरी गणेश सरस्वती पूजन शिव संकल्प मस्तु शुभम अनिल करोतु सकल कामना सिद्धार्थम हेतवे उसी समय श्री सूत जी महाराज जी उस स्थान पर पधार कर श्री सूत जी को ऋषि लोग खड़े होकर
दंडवत करके उसी अवसर पर किसी कवि ने सत्य कथन गाए कि राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत अपिप्र रूप धर पवन सुत आए गए दिन पोत। अर्थात हम लोग सागर में डूब रहे थे, आपने लोग चिंता से हम सब दुखी हैं, अतः हे भगवान व्रत अथवा तप करके चित कृपा करके कहिए, ऐसे हम लोगों की इच्छा है कि बंदहु पद धरणी नय करहु कर जोर अवरुढ़हु रघुबर विमल यशो श्रत से धन तन चोर अति आरत पूछे। जो कि परोपकार में दुष्टों को कष्ट पाने में सुख देते हैं, हे परोपकारी सैन के अर्जुन जिस प्रकार से लक्ष्मीपति विष्णु भगवान जी से नारद मुनि ने पूछा था, जिस प्रकार आप लोग ने मुझसे पूछा है, इसलिए संध्या करने के बाद इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री भगवान के समक्ष कथन करूंगा। सैन के अर्जुन ने कहा, अति उत्तम, हम लोग भी संध्यापासन करके निमित्तों का श्री सूत जी महाराज जी के सामने खत्र हुए। श्री सूत जी ने ऋषियों से कहा कि दत्त चित्त होकर मेरी बात सुनो, यदि तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ रहेगा तो तुम्हें उपदेश से लाभ नहीं उठ सकेगा और अन्य कार्य में नहीं बन सकेगा। हे ऋषियों, एक समय नारद मुनि परोपकार में इच्छा से नाना लोक में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए। मृत्युलोक में नारद मुनि ने देखे जितने मनुष्य हैं, सब अनेक प्रकार से नाना प्रकार से जन्म को पाप को भोग रहे हैं। ऐसे प्राणियों को कलेश युक्त देखकर मुनि मन में सोचने लगे, उनका दुख किस प्रकार का दूर हो सकता है। यही मन में सोचते हुए बीड़ा बजाते हुए हर गुणगान गाते हुए विष्णु लोक को गए। इसका वर्णन तुलसीदास जी ने इस प्रकार किया है कि एक बार कर तल कर बीड़ा गावत हर गुण परम प्रवीणा अहरस मिले उठी रमानी कहता बैठे आसन ऋषि समेता। अतः विष्णु लोक में नारद मुनि ने देखा कि शुक्ल वर्ण चार भुजाओं वाले शंख चक्र गदा तुलसी का माला पहने हुए ऐसे देव स्तुति करके प्रणाम करके आपकी शक्ति अनंत है, आप तीनों गुणों से हैं, सत्य रज तम की आत्मा एवं संपूर्ण प्राणियों को कलेश दूर करने वाले हैं। हे भयहारी भगवान, कोई उपाय है तो कृपा करके बतलाइए जिससे दुख दूर हो जाए। यदि आप कृपा करते हैं तो कहिए, मैं सुनता हूँ कि दीन दयाल विरत संभारी अहरहु नाथ मम संकट भारी। श्री भगवान जी ने नारद जी से कहा कि तुमने भली भांति पूछी है जिससे संसार का कल्याण होगा, प्राणी पापों से मुक्त होगा, को प्राप्त होगा, इसलिए हे नारा देख छोटा सा उपाय है, मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कलयुग के लिए महान प्रदान करने वाला वह पृथ्वी पर दुर्लभ व्रत सत्यनारायण विष्णु भगवान का पूजन है। जो मनुष्य उस व्रत को धारण करेगा वह दुख से दूर हो जाएगा, सुख को प्राप्त करेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। सत्य है भगवान के ऐसे वचन सुनकर हे जनार्दन, इतने मनुष्य सब अनेक प्रकार से कलेश युक्त नाना प्रकार से जन्म में पाप को भोग रहे हैं, इसलिए हे भगवान कोई उपाय है तो कृपा करके बतलाइए और उसका विधि भी बतलाइए। वह सत्य नारायण विष्णु भगवान का पूजन है, केले का फल, गौ का दूध, गेहूं का आटा चूर बनावे, एकत्र करके भगवान को सवैया लगाकर अर्पण करे, फिर ब्राह्मण को पुस्तक का दक्षिणा देकर ब्राह्मण को भोजन करावे, प्रसाद खाने के बाद नाच गाना आदि कीर्तन का आयोजन करे। जब घर लोग जाने लगे तो सत्य नारायण का नाम शुरू करते जाए, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान के जय। चीजों में ना आदमी अगर साथ को लेकर चलेगा तो
जायते सकुलांबरधनं देवं ससिवर्णं क्रॉस करके ध्यायते हैंड क्रॉस करके चूड़ियां मर जानियां आज खन खन कर दिया जान वे उड़ दिया फिरन कलाइयां माही तेरे हथ ना आन वे चूड़ियां मर जानियां आज खन खन कर दिया जान वे उड़ दिया फिरन कलाइयां माही तेरे हथ ना आन वे ज़ूम ज़ूम करके देखे मैं लगती बड़ी प्यारी वे स्वाहा
सभी लोग अपने घर के अपने मंदिर के कुल देवी देवता को प्रणाम करके आहुति देना है। ओम कुल देवी देवता भ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवता भ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थान देवता भ्यो नमः स्वाहा, ओम वास देवता भ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वे भ्यो देवी भ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वे भ्यो ब्राह्मणे भ्यो नमः स्वाहा। हरे अम्मा ओम सिद्ध बुद्ध चैताय श्री वरमहागणाधिपतये नमः स्वाहा। सभी लोग खड़े हो जाइए, उधर साइड में छोड़िएगा कि जलता भी रहे, साइड में छोड़ दीजिए, पूरा सब छोड़ दीजिए। हरे अम्मा ओम बसो पवित्रोभ्यो नमो नमः धृतम समर्पयाभ्यो नमो नमः। हरे अम्मा ओम सर्वदा लक्ष्मी संत नमो नमः। चम्म चम्को दे दीजिए, कर दीजिए भी कतारा करिए। हरे अम्मा ओम चंदनम मध्यम नित्यम पवित्रम पापनाशनम मापदा भरते नित्यम लक्ष्मे वसतु सर्वदा चो लक्ष्मे शंतु नमो नमः। हरे अम्मा ओम आरोग्यम मे देहे तथा गुरु सुखम देहे धनं देहे लक्ष्मे संतु नमो नमः। Yeah.
देवादि देव वंदनम शाद्याह संति देवाः ओम देव हो शांति। अब आप उनको दीजिए, आपकी आप सबको दीजिए, ये आप सबको पुष्प दे दीजिए। सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तो मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरं यदि पूजितं मया देव परिपूर्णं तदास्तुमे आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरो क्षम्यतां परमेश्वरो। सभी लोग अपने जगह से ही अक्षत पुष्प जो लिए हैं लक्ष्मी नारायण जी को ध्यान करते हुए चढ़ा देना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गजानन महाराज की जय। जाने वाले सारे तकने लगे, नाम तेरा नींद में हम बकने लगे। हाय आने जाने वाले सारे तकने लगे, नाम तेरा नींद में हम बकने लगे। मन में भर रो रोशर फूट गया जी, हर माँ के चुकनू भड़कने लगे, भड़कने लगे, हाय भड़कने लगे। नयन मिले तो फायर जले, ऐसी फायर जले दिल मेल्ट मेल्ट कर दा। ओ नयन मिले तो फायर जले, ऐसी फायर जले दिल मेल्ट मेल्ट कर दा। चले खुद से ही लड़ ले, चन चन दिल मजदा।